नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आगाज करेंगे खबरों का। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संसद में जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को चेतावनी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्ची फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं और उनका सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेह भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेह भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अपेक्षाओं उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए।